नमस्कार साथियों, इस समय मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड के ग्राम पंचायत भंडार के जुबरा तोक में। यहां पे एक शादी में आया हूं मैं। यहां पे मेरी दीदी का घर है और मेरी दीदी के देवर जी की बेटी की शादी है और शादी का कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी अभी बारात आ चुकी है और बारातियों का भोजन हो रहा है। अभी देखो बारात आई है झोपड़ा गाँव से। झोपड़ा गाँव भी कपकोट विकासखंड का ही एक गाँव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहाड़ का कल्चर है, जो हमारे उत्तराखंड की रीति रिवाज परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर सब लोग ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। और खाने में प्योर जो पंडित जी की रसोई होती है, जो पंडित जी लोग धोती पहन के खाना बनाते हैं, वो खाना बना हुआ है जिसमें दाल सब्जी भात और रायता चटनी सलाद वगैरह है। और सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र की जो परंपरा है, जब बारात आती है तो सारे बारातियों को टीका लगता है। देखो यहाँ पे दो लोग हैं, ये टीके के थाली के साथ में चल रहे हैं और साथ में टीके के लिफाफे भी हैं। तो सबसे पहले बारातियों को टीका लगता है, फिर लिफाफा दिया जाता है, उसके बाद फिर खाना वितरित किया जाता है, फिर खाना खाते हैं सभी लोग। तो भाई आजकल जो समय है, होटल सिस्टम, कैटरिंग सिस्टम, टेबल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, स्टैंडिंग तरीके से खाना खाते हैं लोग, अपने हाथ से लेते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं बारातों में। और खाना जो है कई प्रकार का अलग अलग पकवान बनता है, लेकिन हमारा जो पहाड़ का जो असली कल्चर है, अपने पहाड़ का जो मेन जो भोजन होता है, दाल चावल सब्जी और रायता चटनी वगैरह, तो वो बना है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी परंपरा है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत शादियों को अटेंड कर लिया, कई जगह मेरी रिश्तेदारी भी है, तो चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये रहता है कि लोग इसी प्रकार से बारातियों को खाना खिलाते हैं। यहाँ का ये सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग बारातियों को इसी प्रकार से खाना खिलाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कल्चर देखे। हमारे गाँव में भी इसी प्रकार से चलता है मैक्सिमम, लेकिन कुछ कुछ लोग टेंट सिस्टम से भी चलते हैं। और यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो पुराने तरीके से चल रहा है। महिलाएं भी खाना बांट रहे हैं, देखो महिलाएं पानी बांट रहे हैं, गांव के बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, सब लोग सहयोग से यहां पे काम कर रहे हैं, सब लोग सहयोग से इस बारात को खाना खिला रहे हैं। तो बारात भी बहुत अच्छी आई है, झोपड़ा गांव से बारात आई है। और झोपड़ा और ये जुबरा गाँव जो है आसपास में ही है, ज़्यादा दूरी में नहीं है, यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर के दायरे में झोपड़ा गाँव है, वहाँ से बारात आई है। तो यहाँ का मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ अलग से, वो ब्लॉग आपको मेरे केदार मेहर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल और केदार मेहर ब्लॉग्स फेसबुक पेज में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है लोगों को, देखो ये देखो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कल्चर अच्छा लगा, हमारे उत्तराखंड के इस कल्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और खूब सारे लोगों तक पहुँचाइए। और कोशिश कीजिए कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो फिर से लौट के आएँ, पुरानी परंपराओं के हिसाब से ही आगे को हमारा सिस्टम चले तो बेहतर होगा। धन्यवाद।